हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और अब तो आपका रिजल्ट भी आ गया है। बट यहाँ पे जो है हम जो बात करेंगे, आप अनदर अनाउंसमेंट जो इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट के साथ साथ किया किया है, इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपरली। जो है वीडियो एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है? तो दूसरा, अभी तक का जो बड़ा अनाउंसमेंट है, इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट जारी की है। भैया किस चीज की लिस्ट है? ये लिस्ट है फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव ऑप्ट आउट और कैरी फॉरवर्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम अगस्त, जो आपका अगस्त एग्जाम था या फिर जून एग्जाम 2021 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिलअप किया था, और आप चाहते थे आपको ऑप्ट आउट हो दिसंबर 2021 में। सो इफ यू हैव ऑप्टेड आउट और कैरी फॉरवर्ड टू दिसंबर एग्जाम, सो योर रजिस्ट्रेशन नंबर वुड बी हियर। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एक्सेप्ट हुआ है या कि नहीं हुआ हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम जून 2021 टू दिसंबर 2021। सो इंस्टीट्यूट ने जो एक लिस्ट जारी की है अराउंड जो है 583 पेज के जो है इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें फाउंडेशन है, एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है। जो भी बच्चों ने जो है आपका जो ऑप्ट आउट किया है फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए, सो उनका जो ऑप्ट आउट या फिर कैरी फॉरवर्ड एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पीडीएफ फाइल जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे जो है जाकर आपको मिल जाएगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि भाई इतने सारे पेज हैं तो आपका जो है चेक कैसे करेंगे। तो दो तरीके हैं भाई, या तो आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, ठीक है? फाउंडेशन प्रोग्राम है तो फाउंडेशन प्रोग्राम चेक करिएगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के हैं। बट अगर आपको स्मार्ट मूव तरीका अप्लाई करना है तो सिंपल सा करिएगा, आप अपना जो है अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कर रहे हैं, सो आप कर सकते हैं कल्ट प्लस एफ, ठीक है? कल्ट प्लस एफ करेंगे तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा सर्च करने के लिए, ठीक है? जैसे मैंने जो है यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया है, आपको सिंपल सा करना है क्या, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कल्ट प्लस एफ करेंगे, ठीक है? कल्ट प्लस एफ करेंगे तो ये लिख करके यहाँ पर को आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, तो डायरेक्टली जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड आउट हो जाएगा। इफ यू हैव अप्लाइड द ऑप्ट आउट फैसिलिटी फ्रॉम दिसंबर फ्रॉम जून टू दिसंबर, सो योर नेम वुड बी इन दिस लिस्ट, ठीक है? जैसे यहाँ पे इशू अग्रवाल का मैंने केवल चेक करने के लिए लिया था। इन केस जो है अगर यहाँ पे शो नहीं, मतलब आपने अगर ऑप्ट आउट किया है फिर यहाँ इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, तो एक बार एक ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्टीट्यूट की साइट पे ही प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सा जो है आपने अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, तो लास्ट में एक बार कट कर लीजिएगा, फिर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो हमने सर्च करने के लिए क्या बोला, कल्ट कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल के साथ जो है एफ जो बटन होता है उसको प्रेस करिएगा, ये बटन खुल जाएगा, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करिएगा, नहीं मिलता है तो एक बार जो है बैक स्लैश करिए करिएगा, ठीक है? और फिर भी जो है नहीं होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गलत किया होगा, उसी केस में आपको जो जो कैरी फॉरवर्ड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, तो उसको करेक्ट करने के लिए या फिर आगे जो है कैसा प्रोसेस रह सकता है। सो इंस्टीट्यूट ने बोला है फॉर एनी क्वेरी थ्रू मेल इनरोल एट द रेट ICSI.edu, ये जो मेल आईडी है इनरोल एट द रेट ICSI.edu पे आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ईमेल आईडी होती है एग्जाम एट द रेट ICSI.edu, ठीक है? सो बेसिकली जो है कैरी फॉरवर्ड आपको हुआ नहीं हुआ है जरूर चेक करिएगा, ठीक है? आई विल सी इन द नेक्स्ट अपडेट, टिल द टाइम वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।